स्टेप वन ट्रेनिंग में जाओ, स्टेप टू MP40 लो और उसको रिलोड करो, स्टेप थ्री रिलोड करते ही उसे बैग से निकाल दो एंड सी मैजिक। तो अभी भाई का कहना है कि भाई हमको ट्रेनिंग में जाकर एंड MP40 से मैजिक देखने को मिलेगा, तो चलो फटाफट से हम लोग देखते हैं मैजिक को। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में एंड यहाँ पर मैं फटाफट से MP40 ले लेता हूँ, देख सकते हो, एंड यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। तो जैसा कि भाई का कहना है MP40 रिलोड करते ही बैग से निकाल दो, तो अभी हम लोग यहाँ पर MP40 को रिलोड करते हैं एंड बैग निकाल देते हैं। यहाँ पर रिलोड हुआ और बैग से निकाल दिया। क्या हुआ एनी जादू? कुछ तो नहीं देखने को मिला यार मुझे। तो गाइस मुझे तो कुछ भी मैजिक देखने को नहीं मिला यार। अगर आप लोगों को कुछ मैजिक देखने को मिला हो तो नीचे कमेंट जरूर से करना, एंड हेंस दिस ट्रिक इज रॉन्ग। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार गाइस मुझे जाकर बुया ऐप पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे मैं 18 जून से बहुत सारे डीजे आलोक एंड डायमंड्स की गिवअवे करने वाला हूं, एंड यही नहीं आप लोग मेरे साथ खेल भी सकते हो। तो प्लीज गाइस जाकर मुझे फॉलो कर लो, स्क्रीन पे आपको मेरा बुया आईडी दिख रहा है एंड डिस्क्रिप्शन में भी है, तो प्लीज जाकर जोर से फॉलो कर लेना यार। अगर आप अपनी गन को पीछे रखकर ग्लूअर लगाते हो तो वो गन ऑटोमेटिकली आपके हैंड में आ जाएगी। भाई गन को पीछे रखकर ग्लूअर लगाने से गन ऑटोमेटिकली हाथ में आ जाएगी, ये कैसे हो सकता है? चलो ट्राई करते हैं। तो अभी देख सकते हो फिलहाल मेरे गन्स पीछे है एंड यहाँ पर मैं ग्लूअर लगाता हूँ, भाई मेरे हाथ में तो ग्लू वॉल की जगह पे गन आया ही नहीं ऑटोमेटिकली। ओपी हाँ गाइस, जब आपका ग्लू खत्म होगा उस टाइम ऑटोमेटिकली आपके हाथ में मतलब ग्लू वॉल आ जाएगा, एंड हेंस दिस ट्रिक इज राइट। जब आप UMP को रिलोड करके तुरंत हटा दो तो आपको रिलोड का साउंड फुल सुनाई देगा। भाई मतलब आधा रिलोड करे और साउंड फुल सुनाई देगा, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो इसको भी हम लोग फटाफट से चल के ट्राई करते हैं। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ ट्रेनिंग में, यहाँ पर मैंने UMP ले लिया, तो चलो अभी इससे फटाफट से हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग दो चार गन फायरिंग कर लेते हैं, अब इसको हम लोग रिलोड करेंगे एंड रिलोड करते हुए हमको तुरंत छोड़ देना है। चलो अभी हम लोग रिलोड करते हैं। ओ हाँ गाइज आपने ध्यान से सुना, आप लोग अगेन सुनो ध्यान से सुनना, बट यार एक और चीज, यहाँ पर आपका रिलोड भी नहीं हुआ, आप लोग ध्यान से देखो, ओनली रिलोड साउंड तो आ जा रहा है बट रिलोड हो नहीं रहा है, ये देखो। भाई आपका ट्रिक तो 110% वर्किंग निकला, एंड हेंस दिस ट्रिक इज राइट। मिथ, गो टू ट्रेनिंग एंड टेक बाइक एंड यूज आलोक एबिलिटी एंड ड्राइव सर्कल द बाइक द आलोक एबिलिटी गेट इनटू टू पार्ट्स, प्लीज टेक माय मिथ। पीड़ू कुछ तो गड़बड़ है, दो पार्ट में कैसे डिवाइड हो सकती है यार, मैं यही सोच रहा हूँ। सो यहाँ पर डीजे आलोक की एबिलिटी को ऑन करके एंड हम लोग ड्राइव करते हैं, लेट्स गो। ओके ड्राइव किया। ओ हाँ गाइस ध्यान से ये देखो, डबल लाइन, एक गाइस वो उस साइड लाइन दिख रही एंड इस साइड, गाइस देखो मैं एरो दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। भाई सच में डीजे आलोक की एबिलिटी दो पार्ट्स में बट गई यार, एंड हेंस दिस ट्रिक इज राइट। स्टेप वन गो टू द ट्रेनिंग ग्राउंड, स्टेप टू गो इनटू सोशल जोन, स्टेप थ्री क्लाइंब ऑन द जायंट व्हील, स्टेप फोर एट द सेंटर एंड टैप स्कोप बटन एंड यू विल सी मैजिक, प्लीज टेक माय मिथ। ओके सो चलो हम लोग फटाफट से यहाँ पर ट्रेनिंग में चलते हैं उस जायंट व्हील के ऊपर। तो यही तो है यार, ये इसके ऊपर अभी हम लोगों को फटाफट चढ़ना होगा, तो चलो इसके ऊपर फटाफट से चढ़ जाते हैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मैं जायंट व्हील के ऊपर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर यार स्कोप ओपन करने पर मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यार, मतलब कुछ भी मैजिक नहीं शो हो रहा है। अगर आप लोगों को कुछ भी मैजिक शो हो रहा हो तो आप लोग जरूर से यार मुझे कमेंट करके बताना, बट मुझे यार यहाँ पर कुछ भी रियली गाइस कुछ भी मैजिक शो नहीं हो रहा है यार, सब कुछ तो नॉर्मल है, देख सकते हो कुछ भी नहीं हो रहा यार, एंड हेंस दिस ट्रिक इज रॉन्ग। वी विल बी हैविंग 20 एमओ इन USP इन CS बट नाउ वी आर हैविंग 17 एमओ। भाई मैं सच बता रहा हूँ, पहले का तो मुझे पता नहीं है बट अभी हम लोग चलकर जरूर से टेस्ट कर लेते हैं कि भाई अभी कितना एमओ रहता है USP गन में। तो गाइस यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं CS में, यहाँ पर देख सकते हो 17 एमओ, सही बोला जैसा कि भाई ने, बट गाइस पहले का मुझे पता नहीं कि पहले कितना एमओ हुआ करता था, क्योंकि यार पहले का मुझे इतना याद नहीं है। तो गाइस अगर सच में पहले 20 एमओ होता था तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई का ट्रिक राइट है या रॉन्ग, एंड हेंस दिस ट्रिक इज नॉट राइट नॉट रॉन्ग। न्यू कार रिमोट में गर्ल कैरेक्टर एंड बॉय के बैठने का स्टाइल अलग है, प्लीज ट्राई। सो यहाँ पर पहले हम लोग बॉय कैरेक्टर में देख लेते हैं। चलो यहाँ पर उछलकर एंड बैठ गया, ओके यहाँ पर तो नॉर्मल है। अब हम लोग गर्ल कैरेक्टर में चलकर ट्राई करते हैं, यहाँ पर गर्ल कैरेक्टर ले लिया एंड इसके ऊपर देखते हैं क्या होता है।
ओ भाई गाइज यहाँ पर देख सकते हो इसका दोनों पैर एक साइड रहता है और वहीं पर जो बॉय कैरेक्टर रहता है उसका दोनों पैर दो साइड में रहता है, एक राइट में एंड एक लेफ्ट में। तो गाइज फ्री फायर में कई सारे इमोट्स के साथ ऐसा होता है कि मेल कैरेक्टर का इमोट करने का स्टाइल कुछ और रहता है एंड फीमेल कैरेक्टर में इमोट करने का स्टाइल कुछ और रहता है। एंड हेंस दिस ट्रिक इज राइट, गो अ रैंक मैच एंड बैक टू द लॉबी एंड सी योर रिएक्शन। भाई रैंक मैच लगाना है, ओके चलो हम लोग यहाँ पर फटाफट से एक रैंक मैच लगाते हैं, लेट्स गो। तो गाइज फाइनली यहाँ पर अपना रैंक मैच स्टार्ट हो चुका है देख सकते हो, एंड यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ जैसा कि भाई ने बोला है, तो चलो फटाफट से मैं बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हिस्ट्री दिखा देता हूँ देख सकते हो, ओ भाई भाई 20 का माइनस। बट यार ये गेम है, गेम को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए यार, गेम इज जस्ट फॉर फन। यहाँ पर रैंक माइनस प्लस इनसे कुछ भी मतलब नहीं रखना चाहिए, बस आओ गेम खेलो, रिलैक्स करो, चिल करो एंड यार मजे करो यार। सो बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही, एंड गाइज याद से डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे भूया चैनल का लिंक मिलेगा, जाकर मुझे भूया पे फॉलो जरूर से कर लेना अगर आपको मेरे साथ खेलना है एंड गेम में पार्टिसिपेट करना है तो। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे न्यू आया तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। तो चलो गाइज बाय बाय।